भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह और कंट्रोवर्सी। मानो अक्षरा सिंह आगे आगे, कंट्रोवर्सी उनके पीछे पीछे। कभी रवि किशन के साथ, कभी खेसारी लाल यादव के साथ, कभी पवन सिंह के साथ और अब रितेश पांडे के साथ। अक्षरा सिंह का लंबा रिश्ता नाता रहा है कंट्रोवर्सी से। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हम तो सभी के बारे में जानते हैं, रवि किशन के बारे में तो हम जानते ही नहीं। तो आपको बता दें कि रवि किशन ही वो हैं जिन्होंने अक्षरा सिंह को भोजपुरी इंडस्ट्री में लॉन्च करवाया था। रवि किशन उनके पहले हीरो थे और सत्यमेव जयते उनकी पहली मूवी। अक्षरा और रवि किशन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गड़बड़ी वहाँ हो गई जब इंडस्ट्री में सुबुगाहट होने लगी कि अक्षरा सिंह रवि किशन के प्यार में पड़ गई हैं और रवि किशन भी अक्षरा सिंह के प्यार में पड़ गए हैं। जी हाँ, ये कंट्रोवर्सी को तूल मिलती ही गई और दबे लफ्जों में ही सही, सभी ने अक्षरा का नाम रवि किशन के साथ जोड़ा। साथ ही साथ रवि किशन के इन्फ्लुएंस में आने के बाद अक्षरा सिंह में एक गजब का एटीट्यूड आया। लोगों का कहना था कि रवि किशन के पावर का इस्तेमाल अक्षरा सिंह करने लगी थी। अक्षरा सिंह ये सारा सब कुछ खेल वहीं से सीख कर आई। खैर, आगे बढ़ते हैं। अक्षरा और रवि किशन के रिश्तों में खटास तब आई जब अक्षरा चाहती थी कि रवि किशन के साथ उनका रिलेशनशिप ओपन हो जाए, लेकिन उसी वक्त रवि किशन नगमा के साथ भी कहीं ना कहीं क्लोजली इन्वॉल्व थे। वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी छवि भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसिनोवा हीरो की हो, और यहीं से इन दोनों के बीच मतभेद शुरू हुआ। मतभेद इतना बढ़ा कि इन दोनों ने आगे फिर कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया और अक्षरा ने अपनी राह दूसरी पकड़ ली। कि अक्षरा के लाइफ में अब खेसारी लाल यादव आ चुके थे। वैसे उन दिनों अक्षरा स्ट्रगल कर रही थी और ये सोच रही थी कि किस तरह से अपनी इंडस्ट्री में एक धाग जमी रहे। तब उन्हें साथ मिला खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव के लिए अक्षरा जैसी लड़की का साथ पाना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि खेसारी लाल यादव जिस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने आज तक लड़कियों को हमेशा एक सीधी साधी रूप में देखा। बोल्ड अवतार से तो वो अवगत ही नहीं थे। खेसारी को भी अक्षरा का साथ भाने लगा और इन दोनों में प्यार हो गया। मुसीबत तब आई जब अक्षरा सिंह को ये पता चला कि खेसारी लाल यादव ऑलरेडी शादीशुदा हैं और वो अपनी शादी को उनके लिए छोड़ नहीं सकते। फिर अक्षरा ने, कहा जाता है कि खेसारी से ब्रेकअप तो किया, लेकिन ब्रेकअप जब हुआ तब भी अक्षरा सिंह एक अच्छी पोजीशन पे थी। वो पवन सिंह के खेमे में आ चुकी थी। अक्षरा इससे पहले खेसारी और रवि किशन के साथ जो कुछ कर चुकी थी, वो अब उन्होंने पवन सिंह के साथ भी अपनाना शुरू किया। जी हाँ, प्यार मोहब्बत सब कुछ बदस्तूर जारी रहा। लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि पवन की फिल्मों में कौन सी हीरोइन होगी, पवन किसके साथ कब एल्बम शूट करेंगे, पवन किसके साथ कहाँ जाएंगे, कब खाएंगे, क्या करेंगे, सब कुछ का डेटा अक्षरा सिंह के पास रहता था। अक्षरा सिंह उनकी एक्ट्रेस कम गर्लफ्रेंड कम मैनेजर थी। लोगों का यहाँ तक कहना है कि जब पवन सिंह अक्षरा सिंह के इन्फ्लुएंस में आए तो उन्होंने अपने कई करीबी मित्रों को अपनों से दूर कर दिया और अक्षरा के साथ रहते हुए वो उन्हीं के साथ अपना बिहेवियर बनाते जिनके साथ अक्षरा की जमती। लेकिन दांव उल्टा तब पड़ गया जब पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ शादी का वादा तो किया, लेकिन घर वालों के प्रेशर के चलते उन्होंने ज्योति सिंह से शादी कर ली। पवन सिंह चाहते थे कि अक्षरा सिंह और उनका रिश्ता इसी तरह से चले, लेकिन अक्षरा सिंह को ये मंजूर नहीं था। अब अक्षरा सिंह ने फिर वही चीज़ अपनाई जो चीज़ उन्होंने खेसारी और रवि किशन के साथ अपनाई, लेकिन यहाँ पर दाव फिर उल्टा पड़ा अक्षरा सिंह का। खेसारी के साथ माइनस पॉइंट ये था कि खेसारी उस वक्त इंडस्ट्री के लिए नए थे और काफ़ी इमोशनल बंदे थे। अक्षरा ने जो कहा खेसारी ने मान लिया, और रवि किशन के साथ ये माइनस पॉइंट था कि रवि किशन उस वक्त एक बहुत ही रेपुटेटेड फिल्म एक्टर बन गए थे, इसलिए उन्होंने अक्षरा की भी हर बात मान ली। लेकिन यहाँ पर पवन सिंह एक दबंग स्टार। अक्षरा ने उनके खिलाफ
केस फाइल किया, उनके खिलाफ FIR की, उनके लिए बहुत कुछ कहा, लेकिन इससे टस से मस नहीं हुए पवन सिंह। उल्टा आगे चलकर अक्षराज सिंह ने घुटने टेके और पवन सिंह के खिलाफ FIR जो की थी वो भी वापस ली। अपने मीडिया रिपोर्ट में अक्षराज सिंह ने पवन सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा और ये तक इल्ज़ाम लगाया कि पवन सिंह उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। और तो और आज भी पवन सिंह के लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो अक्षराज सिंह को इसकी खुशी होती है। अब आप ये सोचेंगे ये सब कुछ हमें कैसे पता चला, हम बताते हैं आपको कि कैसे। क्या कभी आपने अक्षराज सिंह का इंस्टाग्राम का स्टेटस देखा है? आप देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सब कुछ एक तरह से अक्षराज सिंह के लिए बिखर गया। अक्षराज सिंह के लिए एक नया मुकाम हासिल करना था। वैसे भी पवन के साथ ज़्यादातर स्टेज शो करने के बाद अक्षराज सिंह की अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग हो ही चुकी थी, तो स्टेज शो जब भी अक्षराज सिंह करती उनके लिए भाई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ उन्हें साथ मिला रितेश पांडे का। रितेश पांडे तब भोजपुरी इंडस्ट्री में उभर रहे थे और उन्हें भी एक ऐसे स्टेब्लिश एक्टर की ज़रूरत थी जो उनके कैरियर को आगे बढ़ा सके। और रितेश पांडे काफ़ी स्ट्रगल करके आए हैं तो स्ट्रगल का दर्द वो बखूबी जानते हैं, इसलिए उन्होंने अक्षराज सिंह का साथ पकड़ा, उनके साथ स्टेज शो किए, उनके साथ एल्बम की, उनके साथ फिल्में की। लेकिन बात यहाँ बिगड़ गई। जी हाँ, फिर अक्षराज सिंह ने रितेश पांडे पर वही इल्ज़ाम लगाया जो कि बाकी तीनों एक्टरों पर लगाया था, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और मारपीट। यहाँ पर मामला शांत तब हुआ जब रितेश पांडे ने अक्षराज सिंह से माफ़ी मांग ली और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने उसके लिए उन्हें कुछ पैसे भी दिए हैं। वैसे इन सब चीज़ों को, यानी ये सारा जितना विवाद हुआ है, अक्षराज सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट लिखकर कहा, अरे भाई मैं तो 60 दिन से अपने घर में क्वारंटीन हूँ और मैं इस सब से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित अखबार ने ये सब कुछ छापा है। तो आपको बता दे अक्षराज जी, मीडिया वाले इतने पागल नहीं हैं कि आपके लिए बैठे हैं, आप क्या कर रही हैं, कुछ होता है आप सभी के लाइफ में तभी हम आपको कुछ कहते हैं, अदरवाइज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी करने का किसी मीडिया हाउस के पास टाइम नहीं है, खासकर कोरोना जैसे क्रूशियल टाइम में। आपको ये बता दे कि आप वही अक्षराज सिंह हैं जिन्होंने मीडिया को तब याद किया था जब आप पवन सिंह के साथ विवादों में थी, और ये यही मीडिया है जिसने आपका बखूबी साथ भी दिया था। आपने अपनी एक एक चीज़ मीडिया के माध्यम से बाहर ले आई और जो ये लड़ाई थी इसे काफ़ी हद तक मीडिया ने ही शांत किया। आज अमर उजाला और जैसे कई प्रतिष्ठित अखबारों पर आप उंगली उठाते हुए ये कह रही हैं कि इससे आपका कुछ सरोकार नहीं है, ये सिर्फ आपको बदनाम करने की साजिश है, ये जो प्रतिष्ठित अखबारों में मेरे खिलाफ जो लिखा गया है इससे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अक्षरा जी, आपको ये भी बता दें कि बिन आग धुआं नहीं उठता। कृपया आप कुछ भी कहने से पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के वीडियोस पर ध्यान दे देती कि आप अभी तक मुंबई में हैं। आपके वीडियोस अगर कोई देख लेगा तो एक अंधा भी बता देगा कि आप मुंबई में नहीं, आप बिहार में हैं। इसीलिए अक्षराज जी ये कहना ज़रूरी होगा कि जो मीडिया आपको कॉपरेट कर रही है प्लीज़ उस पर इतने बड़े इल्ज़ाम न लगाएं, और आगे कुछ कहने से पहले अपने ही सोशल मीडिया अकाउंट और अपने ही फ़ोटोज़ देख लें जो कि आपकी झूठ की पोल खुद खोल देंगे। क्योंकि हम वही चैनल हैं अक्षराज जी जिसके नाम पर आपने FIR किया था और ये कहा था कि हम आपके खिलाफ भड़काऊ न्यूज़ चलाते हैं, जबकि आपने हमारे न्यूज़ के टाइटल और थंब को देखकर ही सिर्फ ये बात कही थी, अंदर आपने तो न्यूज़ तक नहीं देखा। तो आगे से कुछ भी कहने से पहले ये तक सोच लीजिए कि आप किसे क्या कह रही हैं, क्योंकि हम आपके सो कॉल्ड एक्टर नहीं हैं, ना हम आपसे माफ़ी मांगने आएंगे, क्योंकि गलती की माफ़ी मांगी जाती है अक्षराज जी। और जब आप एक सेलिब्रिटी हैं, एक सोशल फेस हैं,
तो आप ये समझ सकती हैं कि आपको लेकर कितनी न्यूज़ बन सकती है और कितनी नहीं। आपको लेकर अभी तक तो इस तरह की न्यूज़ कभी गलत मीडिया में नहीं आई और ना आप इसका दावा कर सकती हैं, लेकिन आपने इस तरह की बातें कर कर ये बता दिया कि हाँ मौका परस्ती क्या होती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए।